राधे राधे, मैं कीर्ति त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो अनुभव मुझे वृंदावन जाके हुए। आप लोगों ने पहले मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में देख रहे होंगे, मैं लगातार वृंदावन जा रही हूँ, वृंदावन से जुड़ी हुई हूँ। आप लोगों को बता दूँ, वृंदावन जाना एक अलग ही अनुभव है। हमारी तो वृंदावन में पहले से ही भाव था, लेकिन वो उतना भाव नहीं था जितना भाव हमें वृंदावन जाके आया। जब हम वृंदावन गए, वृंदावन हमने घूमा, वृंदावन में हमने जाना, बहुत सी चीज़ों का अनुभव किया, वहाँ लोगों से मिले, अच्छे अच्छे भक्तों से मिले, ऐसे ऐसे भक्त मिले हमने कभी सोचा नहीं था। तो हमारा जो भाव है पूरा ही बदल गया। वृंदावन को लोग एज अ टूरिस्ट प्लेस मान के वो घूमने जाते हैं, बट जब वापस आते हैं तो वो नहीं रहते, वो एक भक्त हो जाते हैं। भक्त हो जाते हैं हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान के, क्योंकि वृंदावन कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो एक धाम है जिसकी महिमा वही जान सकता है जिसने वृंदावन से अपना दिल लगाया हो। हम वृंदावन गए थे, हमारा पहले भाव था, लेकिन जब वृंदावन से गए और जब वापस आए, फिर हम वृंदावन के ही होके रह गए। अब हमारी स्थिति ऐसी है, हमारा कहीं मन नहीं लगता, लगता है तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में। वृंदावन एक ऐसा धाम है, आप भले ही नास्ते हैं या आपकी आस्था ना हो, और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप फिर वृंदावन के ही होके रह जाएंगे, ऐसी वृंदावन की महिमा है। एक चीज़ और जो मुझे अनुभव हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि राधा राधा हमने कहीं नहीं सुना, लेकिन वृंदावन में जाते हैं और बात बात पे कहते हैं राधे राधे। राधा राधा तो हमने सिर्फ वृंदावन में ही सुना है। राधा रानी की महिमा और राधा नाम की महिमा वही जान सकता है जो वृंदावन वास करता है। आपने वृंदावन के बाहर सबको राम राम कहते हुए सुना होगा, कृष्ण कृष्ण कहते सुना होगा, पर राधा राधा कहते किसी को नहीं सुना होगा। राधा राधा अगर आप सुनना चाहते हो, उसके लिए आपको वृंदावन जाना होगा, बरसाना जाना होगा। राधा राधा आपको वृंदावन और बरसाना में ही सुनाई देगा। राधा नाम की जो महिमा है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं, इसके लिए आप वृंदावन आना पड़ेगा, आपको रसिकों का संग करना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे राधा नाम की महिमा क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप किसी भी धाम या तीर्थ स्थल पर जाएं, किसी भी हिल स्टेशन या किसी भी धाम में जाएं, जाने से पहले आप उसके बारे में एक बार रिसर्च करके जरूर जाएं। कि जब मैं सबसे पहले वृंदावन गई थी, तो वृंदावन कोई एक तीर्थ स्थल नहीं है, वो एक धाम है। सारे तीर्थ स्थल इस धाम के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं तीर्थ स्थल में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है प्रयागराज। प्रयागराज भी खुद वृंदावन धाम के दर्शन करने आता है। वृंदावन की कड़ कड़ में हमारी राधा रानी और कृष्ण वास करते हैं। वृंदावन आप कभी भी गए होंगे, ये मेरा अनुभव है और मेरे जानने वाले लोगों का भी अनुभव है, और मुझे पता है आपका भी अनुभव होगा। अगर आप पता करेंगे आपके आसपास जो वृंदावन गए हैं उनका भी ये अनुभव होगा। जब वृंदावन आप जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, तो आपका फिर दोबारा वापस जाने का मन जरूर करता होगा। फिर भले ही चाहे जब आप वृंदावन में गए हों, रह रहे हों, तब आपका मन हो कि यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है, बहुत धूल है, बहुत भीड़ है, बहुत गंदगी है, तब आप ऐसा फील करेंगे। लेकिन जब एक बार आप वापस आ जाते हैं, फिर आपका मन नहीं लगता, फिर आपका मन करता है कितनी जल्दी हो सके मैं फिर से वृंदावन जाऊँ। क्योंकि हम सबकी जो बुद्धि है वो मानव बुद्धि है, हमें लगता है हम वृंदावन गए थे, हम गए थे, हम घूमने गए थे क्योंकि हमने प्लान किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वृंदावन घूमने नहीं जाते, ना आप में इतना सामर्थ्य है कि आप अपने आप वृंदावन जाए। जब वृंदावन आपको बुलाता है, प्रभु आपको पुकारते हैं, तब ही आप वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन जाने का माध्यम कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपने किसी का सत्संग सुना हो यूट्यूब पे, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। लेकिन अगर प्रभु को आपको बुलाना है, वो आपको बुला ही लेंगे। और आपको समझना होगा कि प्रभु की आप पे बहुत महिमा है कि उन्होंने आपको वृंदावन बुलाया। बहुत से लोग हैं जिनका मन करता है जाने का, वो नहीं जा पाते। अगर आप पे प्रभु की कृपा है, तब ही आप वृंदावन जा रहे हो। और एक बात और, जिससे बहुत से लोग रिलेट जरूर करेंगे, आप कई बार वृंदावन के सामने से निकले होंगे, आप आगरा गए होंगे, लखनऊ गए होंगे, उसी रोड से गए होंगे, लेकिन कभी आप वृंदावन नहीं गए। और इतने सारे लोगों में से, 100 करोड़ लोगों में से अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, तो आप कितने भाग्यशाली हैं, या कह लो भगवान की आप पे नज़र है, आप पे कृपा है कि उन्होंने आपको मौका दिया और आपको वृंदावन अपने धाम बुलाया। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, जो खुद प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, अगर आप एक बार वृंदावन आ गए, कैसे भी आ गए, गलती से आ गए, या आप उस रास्ते से निकल रहे हो, आपका कोई दोस्त ले आए, कैसे भी आ गए, तो फिर आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि वृंदावन इतना पवित्र धाम है, जहाँ के कण कण में हमारी राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान वास करते हैं। कहते हैं लोग कि वृंदावन में हमें कुछ ना बनाओ, तो वृंदावन की लता पता ही बना देना या रज ही बना देना, लेकिन हमें वास वृंदावन का ही देना, क्योंकि गोलोक का रास्ता वृंदावन से ही होकर जाता है। जीवन मरण से मुक्ति वृंदावन से ही मिलती है। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के जाएं, क्योंकि अगर आप गलती से भी एक बार वृंदावन चले गए, फिर आप नहीं रहेंगे, फिर तो आप वृंदावन की रज में रज जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप अपने जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाएं,
और हो सके अपने माँ बाप को भी लेके जाएं और वृंदावन में एक सच्चे भाव से जाएं और उसे कोई टूरिस्ट प्लेस ना समझते हुए धाम समझ के जाएं। आप कोशिश करें किसी भी तरीके से आप एक बार वृंदावन जरूर जाएं, आपका हृदय परिवर्तन तो हो ही जाएगा क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो हमारे प्रभु के हाथ में है, हमारे कृष्ण जी के हाथ में है। कोशिश करें अपने माँ बाप को जरूर ले जाएं, जो भी बुजुर्ग आपके घर में है, असहाय है, उन्हें एक बार ले जाकर वृंदावन के दर्शन जरूर कराएं। अगर आप वृंदावन जाना चाह रहे हैं और वृंदावन के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल अनाया लाइफ टू एक्सप्लोर पे देख सकते हैं। मेरे चैनल का नेम नीचे शो हो रहा होगा आपको, उसमें आपको वृंदावन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी और किस मंदिर की क्या महिमा है वो जानकारी भी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वृंदावन से रिलेटेड मैं किस चीज़ पे अपना वीडियो बनाऊं, आप किस चीज़ की जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे।